नमस्कार, मैं नीरज नंदा, एडिटर साउथ एशिया टाइम्स। आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत जो आज सेकंड लास्ट फेज इंडिया के इलेक्शंस में हो रहा है उसके बारे में बातचीत करूंगा। ये फेज छठा फेज है जो आज होगा, और इसके बाद एक फेज़ और होगा जो कि 1 जून को होगा। तो उससे जो है सातों फेज़ जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो फेज़ हमारे सामने होने जा रहा है, जो इसमें कि भारत में वोटिंग पड़ेगी, तो उसमें 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर होंगे, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। और इसमें दिल्ली में 7 सीटें हैं जो 2014 और 2019 में बीजेपी ने सातों सीटों पे दोनों 2014 और 2019 में सातों सीटों पे बीजेपी जीती थी, स्वीप किया था उन्होंने। और इस दफ़ा जो मेन डिफरेंस भारत की राजधानी में है वो ये है कि आम आदमी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, और कांग्रेस जो कि एक्चुअली में ऑपोजिशन में है स्टेट लेवल पे, का लोकसभा के इलेक्शन के लिए अलायंस है। तो अब देखना यह है कि जो स्वीप आम आदमी पार्टी पिछले कई इलेक्शनों से दिल्ली में कर रही है, उसका इफेक्ट इस अलायंस को करने से क्या होता है। और दोनों ही पार्टियां इंडिया अलायंस के अंदर हैं, और हाई प्रोफाइल सीट इसमें कन्हैया कुमार की भी है जो वन ऑफ द सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कैपिटल के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दोनों ने कैंपेन किया है, और बड़ा हाई प्रोफाइल कैंपेन चल रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसको वोट देती है। जो एनालिस्ट हैं दिल्ली में खासतौर पे, उन लोगों की ये थिंकिंग है कि बीजेपी के लिए स्वीप करना आसान काम नहीं होगा। परंतु कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि दिल्ली के लोग जो वोटिंग करते हैं इलेक्शंस में, वो असेंबली में अलग करते हैं और लोकसभा में इश्यूज वगैरह अलग होते हैं। बट स्टिल दो इम्पॉर्टेंट पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थी, उनका इकट्ठे आ जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है रूलिंग बीजेपी के लिए। तो अब वी हैव टू वेट एंड सी, एंड वेट टिल 1 जून टू सी कि जब लास्ट वोटिंग हो जाती है सातवें फेज़ की, उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आता है, तो दिल्ली में क्या होगा और पूरे भारत में क्या होगा। धन्यवाद।